Morning food fam, this is day 3 and I got up really early today. It's 9 o'clock. I got up at 9 o'clock. कल मैं 11 बजे उठी थी, उससे पहले मैं 10 बजे उठी थी, but today I got up at 9 o'clock, which is a good thing. Let's appreciate day by day we are improving. And now अभी right now मम्मी शायद नीचे है, and touchwood शायद आज मैं मम्मी के साथ पूजा में बैठ सकती हूँ. मैं exercise करके पूजा में बैठ जाऊंगी. अभी मेरी मम्मी ने ना एक मिश्रण बना के रखा जो प्राची खा रही है डेली. जीरा का स्मेल आ रहा है, भुंजा हुआ जीरा और पता नहीं क्या क्या इसमें डाला हुआ है. सो व्हाट आई एम गोना डू इट, आई एम गोना टेक इट इन द ग्लास. मैंने फर्स्ट डे पिया था, फिर कल मैंने नहीं पिया था बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग लाइक, मूड नहीं था. बट नहीं, मूड बोल के कुछ नहीं होता है. इफ यू वॉन्ट योर हेल्थ टू बी गुड देन कीप योर मूड, कीप द साइड ऑफ मूड, मतलब समझ गए ना. तो इसको क्या कुछ नहीं, एक ग्लास पानी में, गर्म पानी में डाल देना है एक चम्मच. ये क्या है मैं मम्मी से पूछ के ना बताऊंगी आप लोगों को. तो ये लेके पी जाना. पता नहीं मम्मी ये तो नुस्खे कहाँ से देखती है, यूट्यूब से देखिए, दादी बताइए, पता नहीं, बट इससे पेट हल्का रहता है. भुंजा जीरा का टेस्ट है. इसमें थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं सुबह सुबह. Day 3, shower done and skin care done. Yes, I've applied the skin care and sunscreen and everything. I also need to start drinking juice daily. That will really help cleansify my gut. So, we thoda puja kar lete. Har Har Mahadev. Jai Radha Krishna. Kya hua, puja nahi kar rahi ho? I'm happy because I'm able to do puja with mommy and daddy. Mummy and papa daily puja karte, itna acha lagta awaaz, matlab ghante ka awaaz, bas itna acha lagta, sukoon milta. Aaj main uth gayi, luckily aaj main jaldi uth gayi aur puja mein baith gayi hu. Aaj hum karenge puja, uske baad hum karenge meditation and then we'll start the day. ये लंबा करना जरूरी है, तब टीका भी लगा सकते हो. चाहिए नहीं, ये क्यों? मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ. ठीक है, लड़की लोगों को ऐसे नहीं टीका लगाते है. मेरे को बचपन से लड़का बना के रख दिए. मेरा आज का नाश्ता विच इज ब्रेड के अंदर मम्मी आलू डाली है, कुछ खीरा वीरा डाली है, टमाटर डाली है, कुछ सैंडविच जैसा बना दिए टाइम में. एंड सिंजू भाई इधर एंजॉयिंग, उधर बर्ड्स है, उधर बर्ड्स की कर रहा होगा. आपको दिख रहा है बर्ड्स, उधर बर्ड्स बैठता है. और सिंजुबा गुड मॉर्निंग. सिंजुबा का तो नींद ही नहीं खुलता है. लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट काम कर रहे हैं. यहाँ पर थोड़ा सा गैस का लीकेज प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं गैस का कुछ. इन द मीनवाइल प्राची हमें कुछ बोल रही है. मैं बोल रही हूँ क्या पहन कर आई है, कल वाला कपड़ा? कल वाला नहीं है, दूसरा है. तू पैंट चेंज किया, टॉप तो वही नहीं है. ये देख स्क्वाड लिखा है, कल प्लेन वाइट ब्लैक था. अच्छा, जो भी हो ऐसा कोई आता. आज क्या है? आज बंगाली न्यू ईयर है. क्या बोल रहे हैं? पोइला वैशाख है. तो तेरे पास क्या साड़ी सलवार ऐसा पहन कर आना चाहिए कि लोगों को लगे जब ओकेशन हो ना तो आ थोड़ा सज वज कर टिंग करते करते, फिर लोगों को लगे कि ओनर आई. अभी लगे कि झाड़ू पोछा करने आई है यहाँ पर. जाइए मासी जगर का चुम्बक के चुम्बक के चुम्बक के चुम्बक. आउट फॉर वॉकिंग. थोड़ा देर बिट्टू संभालेगा कैफे. अभी हम लोग निकले हैं वॉक करने के लिए थोड़ा सा. अभी पूरा पैक्ड अप है तो बिट्टू को बोला 20 मिनट वो संभाले. एसी नहीं चलेगा आज, हम लोग रूम में बिना एसी के सोएंगे. ठीक है, पंखा चलेगा सिर्फ. सिंजू तो सो जाएगा, रूम तो ठंडा है ही. ठीक है, एसी नहीं चलेगा आज. पूरा खिलौना निकाल के फेंक देता है. सिंजू को एसी में सोने का आदत है, एंड सो हम लोग एसी नहीं चला रहे तो बार बार देख रहा है. बाय द वे मेरा स्किन केयर अभी भी बाकी है. आई हैव वॉक्ड टुडे फॉर फ्यू स्टेप्स विच आई डिड. थोड़ा टिक किया, 10,000 नहीं हुआ पर थोड़ा हुआ. आई थिंक
हो जाएगा, कल और कर लूंगी। एंड कल से मेरे को और एक चीज पे फोकस करना है, एक तो 10,000 स्टेप। आज पानी का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, अभी मैं स्किन केयर कर ले रही हूँ, सब कुछ हो गया, सिर्फ दो चीज आज नहीं हुई, वो है 10,000 स्टेप कंप्लीट एंड डाइट। तो कल मेरे को टारगेट है कि सब कुछ जो कर रही हूँ वो करना है, प्लस 10,000 स्टेप कंप्लीट करना है। और कल मेरा शूट भी है तो नहीं होगा। ट्यूजडे से आई स्टार्ट डाइटिंग ऑल्सो एंड ईटिंग वाइजली ऑल्सो, एंड आई वॉन्ट दिस डबल चिन टू गेट इन, सो लेट्स सी एंड ऑफ द वीक में क्या होता है। आई थिंक दिस वीक आई एम ट्राइंग कि मैं सब कुछ इस वीक के एंड तक मैं सब कुछ करूँ, एंड फिर नेक्स्ट वीक से उसको कंटिन्यू करूँ। थर्ड वीक में मैं एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाऊँ, फोर्थ वीक में मैं डिटरमाइंड हो जाऊँ, सेवन्थ फिफ्थ वीक में वो मेरे जहन में बैठ जाए, सिक्स वीक में वो मेरी रूटीन बन जाए, सेवन्थ वीक में वो मेरी लाइफ स्टाइल बन जाए। क्या बोला मैंने? Thank you, Adarat. Thank you. एसी चल गए तो मजा आ रहे हैं बेटे, बेटे मजा आ रहे हैं, एसी चल गए तो मजे आ रहे हैं, बेटे 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 मजे आ रहे हैं। I don't know, day 5 or so. कल तो मैंने कुछ एक्सरसाइज किया नहीं, कल बहुत 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 काम था, मंडे था, मेरा शूट भी था, कल मैंने मस्त खाया स्ट्रीट फूड, मस्त नहीं था स्ट्रीट फूड बट ओके टाइप्स था। एंड कल फर्स्ट हाफ तो मेरे को कुछ खाने को ही नहीं मिला, सेकेंड हाफ में ही खाया जो खाया। अब मम्मी ऑलरेडी पूजा कर रही है, आज शायद मेरा पूजा नहीं होगा, मेडिटेशन कर लूंगी। आज एंटायर डे आई एम एट होम, एक्सरसाइज अभी मन नहीं कर रहा था, बट बिकॉज आई हैव डन दिस कमिटमेंट टू माई सेल्फ दैट आई विल बी डूइंग इट, आई विल डू इट एनी वे, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आई थिंक बाय द टाइम विल रीच few more weeks I'll be determined, जो मैंने बोला था ना last day वैसा। मॉम मैंने पूरा सब कुछ चिट्ठा तो वैसे बता दिया स्टोरी में, इंस्टाग्राम स्टोरी में मैंने अपना नाश्ता भी कर लिया, शी मेक्स अमेजिंग डोसा, मैं वापस बोल रही हूँ ये बहुत बड़ा बोल जो डोसा बनाती हूँ। आपको क्या चाहिए आपने, आपको नहीं बता सकते, नहीं चाहिए बस तुम प्यार से खाओ भाई, मैं बता सकती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम, पहले एक टाइम था जब मेरे को खाना खा के बहुत अच्छा लगता था, बीच में आई लिटरली लॉस द कनेक्शन, बट आज मैंने ये घर का डोसा खाया, मेरे को डोसा से पता नहीं क्या एडिक्शन हो गई, पता नहीं क्यों, बट अब पिट्टू के लिए बन रहा है डोसा, बट आई होप परफेक्ट बने अब, लेकिन बहुत टेस्टी डोसा, क्रिस्पी क्रंची फ्लेवरफुल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नवरात्रि चल रहे हैं तो नो अनियन नो गार्लिक, नो अनियन नो गार्लिक नो जिंजर नथिंग, बट स्टिल टेस्ट सो सो गुड। पेट भर के बिट्टू भाई एज यूजुअल डूइंग रेस्टोरेंट का काम, सारा दिन भागता है तब गर्मी, पसीना बिना नहाए तब पसीना, वॉशरूम से निकले तब पसीना, खाली पसीना। घर का बोल रहे हो? घर का देखता हूँ, सारा दिन सैंडो में घूमता है, तो सोच लो अगर आप इससे शादी करोगे तो इसे सैंडो में घूमेगा, जो लड़की से शादी करेगी उसे सैंडो में घूमेगा, इसको सिर्फ सैंडो गिफ्ट करना पड़ेगा आपको, इसको सिर्फ दो ही चीज खुशी कर सकते हैं, एक सैंडो एक ओवरसाइज टी-शर्ट। कैसी लड़की चाहिए आपको अपने बेटे के लिए? टेस्टी ब्रेकफास्ट, ब्रंच करा, ब्रेकफास्ट होता ही नहीं, ब्रंच कर गया तो आई थॉट व्हाई नॉट टू जस्ट क्लीन अप माय वार्डरोब। कहते हैं, मैं एक रील देख रही थी, पता नहीं कितना सर्च होता है, नहीं क्या, बहुत सारे पुराने 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 कपड़े अपने घर अपने वार्डरोब पे रखते हो ना, तो लाइफ डजंट ग्रो वेल, यू शुड ऑलवेज यू नो जस्ट रिमूव और डिस्कार्ड वेरी ओल्ड क्लोथ। एंड मेरे पास तो ऐसे ऐसे कपड़े जो 7-8-9 साल पुराने हैं या सामान है जिनको मैंने 9 साल में कभी यूज नहीं किया एंड यूज करूंगी भी नहीं, जस्ट केप्ट इट, सो आई थॉट कि आई विल जस्ट डिस्कार्ड एंड क्लीन द मेस एंड पुरानी चीज़ों को निकालूंगी, तब जाके शायद नई चीज़ें आएंगी, नई एनर्जी आएगी, नई खुशी आएगी एंड ऑल, सो आई थिंक इट्स टाइम दैट आई शुड डिस्कार्ड द ओल्ड थिंग्स। अगर बवंडर इतना सारा कपड़ा कौन किसका है, हु इज इट, अभी भी है बहुत ज़्यादा, अभी भी है, नीचे नीचे वाले घर में भी और भी कपड़ा, अभी भी बहुत कपड़ा, आई हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल, आई हैव टू डू इट, बट टुडे आई एम गोना डू इट। वी आर डूइंग साफ सफाई, काफ़ी हद तक बहुत कुछ हो गया, पापा एंड ऑल आर हेल्पिंग, आई विल शो यू समथिंग। आई गॉट टू फ़ोन कवर्स, एक ये रखा हुआ है बैनिक से मैंने मंगवाया था, ये मैंने अभी खोल के अपना रख दिया, अब मेरा नया फ़ोन कवर मैंने ये लगाया है, कैसा लग रहा है बताओ, थोड़ा चेंज ज़रूरत है यार लाइफ में, इसलिए थोड़ा कलर कलर अच्छा लगेगा, सो आई चेंज इट, आई विल यूज़ दिस कवर नाउ। ओके सो बिकॉज मैंने आज ऑफ किया था एंड सुबह मैंने पूरा वार्डरोब ना सफा किया, बहुत सारी चीजें डिस्कार्ड की एंड आई एम नाउ माय रूम इज फीलिंग लाइटर एंड माय वार्डरोब इज फीलिंग मच 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 लाइटर। अभी बज रहे 8, मैंने सोया तो नहीं बिकॉज इतनी गर्मी पड़ी थी, 40 डिग्री था, आज मैं सोई नहीं, मैं आज क्या की स्क्रॉल की, सिर्फ रील देखी, मास्क
टाइम पास की और वीडियो स्केड्यूल किए, वीडियो अपलोड किया है. अभी मैं बैठ के पूरा फेसबुक में, डेढ़ दो महीने से मेरा वीडियो नहीं गया ठीक से, अभी मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जो भी मेरा शूट होता है ना वीडियो, मैं सब स्केड्यूल कर दूंगी इंस्टाग्राम के लिए एंड फेसबुक के लिए. एंड ये मेरे को करना है एक और स्केड्यूल करना है मेरे को कंटेंट. अभी पानी भी पी रही हूँ. आज मेरा एक्सरसाइज करते वक्त थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ था, एकदम मोटिवेशन नहीं आया था. वेल, आज का दिन तो हो गया बट आज लास्ट डे था नवरात्र का. कल सुबह इम्पॉर्टेंट है, कल सुबह भी मेरा एक्सरसाइज आई गेस नहीं होगा क्योंकि कल सुबह 6 बजे उठना है, खाना बनाने में मम्मी को हेल्प करना है, नौकन्या को खिलाना है. एंड या लाइक सी, कल कंटिन्यू करते हैं व्लॉग. वैसे कल छठा दिन हो रहा है ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो छह दिन में दो दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, 6 दिन में 2 दिन मैंने मेडिटेशन नहीं किया. तो वीक वन में आप मुझे कितना दोगे आउट ऑफ 100 वो मुझे बताना. एंड लेट्स सी वीक टू कैसा होता. वीक टू आई होप अच्छा हो. आज वैसे कौन सा डे था, 4th या 5th डे था, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा. सो मेरा काम हो चुका है, अभी मैं नीचे आ गई हूँ, थोड़ा मुंह हाथ धो लिया है, अभी आई विल बी ईटिंग फूड. द लास्ट डे, आज नहीं कल है लास्ट डे फॉर, कल पूजा के बाद नहीं, कल भी पूरा दिन वेज. क्या है, अच्छा उसके बाद तुम लोग खा सकते हो क्या. तो मम्मी ने 9th 10th डे सक्सेसफुली पूजा किया, घर का माहौल बहुत अच्छा था. थैंक यू सो मच, आई रियली लव्ड इट. मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा वेज खाना, बिना अनियन, बिना गार्लिक, बिना जिंजर. जिंजर डालती थी, अदरक, हाँ, नो अनियन नो गार्लिक खाना बहुत टेस्टी था. मेरे डिनर में है ये, इसको कहते हैं ठहरी, यूपी का बहुत फेमस ठहरी है, सिर्फ मटर डाल के बनाया हुआ है. एंड आई हैव रायता एंड आई हैव पनीर गोभी का सब्जी. पनीर कुछ ज़्यादा ही खाया हमने, ऐसे हम कभी खाते नहीं है पनीर, या पनीर खाने को नहीं मिलता. बट अभी फिलहाल इस 7 दिन में मैंने 5-6 दिन में बहुत पनीर खाया है. मेरे को तो, मैं तो भूल ही गई थी पनीर बोल के कोई डिश इंग्रेडिएंट भी होती है. वेल, खाना बहुत अच्छा था. कल सुबह मैं जल्दी उठना क्योंकि कल हो है नवमी, पता नहीं कन्या मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी खाने के लिए. मिलेगी कन्या? हाँ, आजकल मिलना मुश्किल होता है. पाप का घड़ा इतना भर गया है कि बोलते हैं कि कन्या मिलती नहीं खिलाने के लिए. नहीं, मूवी दिखाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जरूरी है कि पापा शेफ में से पापा का ही चेहरा आना पड़ेगा. पापा शेफ में उसकी वाइफ भी आ सकती है, बेटी भी आ सकती है. करो ना चालू, करो, मैं हूँ, मैं चालू. सिर्फ स्टार्टिंग में बोल दो, हो गया. बट दो कैमरा रह गए सामने कुकिंग के पास. कल मिलती हूँ. ओ पापा, कुछ बोला चाहते हो?